जबलपुर की हनुमानताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 4 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। दरअसल हनुमानताल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल से सिंधी कैंप तिराहे के पास खड़ा हुआ है। संभवतः मोटरसाइकिल चोरी की प्रतीत हो रही है, जिस पर हनुमानताल थाना प्रभारी उमेश गुरानी द्वारा तुरंत सक्रियता दिखाते हुए दबिश देकर पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल चोरी की होना पाया गया, जिस पर आरोपी मोहम्मद आबिद उस्मानी उम्र 30 वर्षीय निवासी अंसार नगर थाना गोहलपुर से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने 3 और चोरी के 2 पहिया वाहन होना बताया, जिनको पुलिस ने लेमा गार्डन गोहलपुर से जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल में भेजने की कार्रवाई की है। कल हमें मुखबिर से सूचना मिली कि सिंधी कैंप तिराहे में जो है एक व्यक्ति है जो कि एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर लिए है और यह गाड़ी चोरी की प्रतीत हो रही है। सूचना की तस्दीक हेतु हमने उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में स्टाफ को रवाना करके और उसको पकड़वाया। उसको जब पकड़ा गया तो वह उसके पास एक स्प्लेंडर बगैर नंबर की गाड़ी मिली, इसके कागजात नहीं थे। उससे गहनता से पूछताछ की और थाने लाके उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त गाड़ी उसने कटनी से चुराई है और इसके अलावा उसने जो है और भी आसपास चोरियां की हैं और 3 गाड़ियां उसके पास रखी हुई हैं, जिसमें से एक ग्लैमर गाड़ी है, एक एक्टिवा और एक एक्सेस है जो कि उसने अपने घर में गाजीनगर के पास रखा हुआ है। उसकी निशादेही पर 3 गाड़ियां और पुलिस ने बरामद की है। इस प्रकार इसने 4 गाड़ियां चोरी करना एक्सेप्ट किया है। गाड़ियों को हमने 41-4 में जब्त किया है और आरोपी आबिद को भी जो है गिरफ्तार किया है। इसने अपना नाम आबिद उस्मानी, पिता मोहम्मद शरीफ उस्मानी, अंसार नगर थाना गोहलपुर का रहने वाला बताया है। एक कबाड़ बीने का भी काम करता था और उसी के तहत उसी के दौरान जो है इसने गाड़ियां भी चुराई है। गाड़ियां यह बेच नहीं पाया और इसके आसपास के थानों में भी हम पता लगा रहे हैं कोई आपराधिक रिकॉर्ड, उसको फिलहाल जो है गिरफ्तार करके न्यायालय पेश करके जेल भेज दिया गया है।